हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इस मौसम में हम बहुत सारे पेड़ खरीदते हैं, तो हम फ्रूट प्लांट्स भी लाके लगाते हैं। तो आजकल बहुत सारे ग्राफ्टेड वैरायटीज़ के फ्रूट प्लांट चल चुके हैं जो हमें गमले में भी बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं। तो आज मैं बस आपके साथ वही शेयर करने जा रहा हूँ कि हम उन्हें कैसे लगाएं कि जिससे हमें वो गमले में हमारा ज़्यादा टाइम तक साथ दे और हमें ज़्यादा टाइम तक फल दे। तो आज मैं एक अमरूद का पेड़ लेके आया हूँ, ये आप सब देख सकते हैं, ये रखा हुआ है यहाँ पे। ये एक क्राफ्टेड वैरायटी का अमरूद का प्लांट है, तो आज हम इसको गमले में लगाएंगे कि हम इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, कैसे इसको स्टार्टिंग में लगाएं जिससे आगे जाके हमें बहुत सारे फ्रूट्स दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम थोड़ी बहुत इस पेड़ के बारे में जान लेते हैं कि इसको हमें कैसी जगह लगाना होता है, कैसी मिट्टी चाहिए होती है। तो आप सभी जानते हैं एक फ्रूट प्लांट है और इसको अच्छी क्वांटिटी में सनलाइट चाहिए होती है, तो हमें इसको फुल सनलाइट में रखना है। पर हाँ, जब हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारे बड़े गमले में लगा रहे हैं, उस टाइम पे 2-3 दिन हमको छाया में रखना है, उसके बाद में आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो ये जो प्लांट होता है बेसिकली इंडिया में हर जगह उग जाता है, पर इसको हल्की सी जो गर्म जगह होती है वो ज़्यादा पसंद होती है, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से रहता है। और जो मिट्टी है इसको हल्की भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है। वैसे अगर आपके एरी की मिट्टी चिकनी है तो आप उसके अंदर थोड़ी सी सैंड वगैरह मिक्स करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। वैसे जो सबसे मेन बात होती है वो ये होती है कि हमारे जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है, तो उसके लिए आप इसमें बहुत सारे जैविक खाद वगैरह होती है वो डाल सकते हैं और अपनी मिट्टी को भी उपजाऊ बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इसकी सॉइल कैसे प्रिपेयर करें, कैसे हम इसकी मिट्टी बनाएं। तो मिट्टी हमें कोई नई मिट्टी नहीं लेनी है, मिट्टी जो हमारे गमलों में पहले पुरानी मिट्टी है हम वही ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी नई या पुरानी नहीं होती है, उसमें बात होती है न्यूट्रिशंस की। तो अभी मेरी मिट्टी है, इसके अंदर मैंने कोकोपीट और सैंड ऑलरेडी मिक्स है जिसमें मैंने पहले अपने पेड़ लगा रखे थे, तो अब हम इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है वो मिक्स कर लेंगे। तो जो फर्टिलाइज़र है उनमें मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में दिखाए थे, वही मैं होम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ जो कि सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, गोबर की खाद, जितनी भी खाद आपको दिखाई थी वो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर ली है जिससे इनको अच्छे से पोषण मिल सके। तो मैं आपको पेड़ दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से कि मेरा पेड़ कैसे है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका जो ग्रोइंग बैग है वो काफ़ी छोटा है और रूट्स इससे बाहर निकली हुई है, इसलिए हमें इसको इमीडिएट रिपोर्ट करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक ग्राफ्टेड वैरायटी का है और ऊपर भी आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली ग्राफ्ट है। आप जब भी ग्राफ्टेड वैरायटी का लेने जाएं तो एक बात और ध्यान रखें, जो लोग ग्राफ्ट करते हैं नर्सरी में उसमें ऊपर से तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो सूख जाता है, पर प्लांट नीचे से वापस से ग्रोथ करना शुरू कर देता है, तो वो प्लांट भी आपको दे देते हैं। तो बस उस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी ऊपर की ग्राफ्ट है ये सक्सेसफुली हो और आप तभी जाके पौधे को खरीदें। तो अब सबसे पहले हम इस पौधे को रिपोर्ट करने के लिए इसकी सॉइल प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैं ये जो मेरे पुराने ग्रोइंग बैग में मिट्टी भरी हुई है इस मिट्टी को बाहर निकाल के इसके अंदर फर्टिलाइज़र मिक्स करूँगा और फिर वापस हम इस मिट्टी को इसमें भरेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसमें से मिट्टी बाहर निकाल लेते हैं। गाइज, हमारी जो सॉइल है वो मिक्स हो चुकी है, पर हाँ आप एक बात ध्यान रखिए, आप इसमें अगर जैसे आप नई मिट्टी ले रहे हैं तो उसके अंदर आप कोकोपीट और सैंड भी मिक्स कर सकते हैं थोड़ी सी, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो अच्छी बनती है। कोकोपीट मिलाने से क्या होता है, जो मिट्टी में मॉइस्चर लेवल है वो ज़्यादा टाइम तक बना रहता है, जिससे हमारे जो पेड़ है उसकी जड़ें जल्दी ड्राई नहीं होती है, तो इसलिए आप कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं। पर अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, पर अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारी जो सॉइल है वो प्रिपेयर हो चुकी है, तो अब मैं जो ग्रोइंग बैग है उसी के अंदर इस पेड़ को लगा रहा हूँ। आप चाहे तो इसके लिए एक बड़ा गमला भी ले सकते हैं, पर मैं जो मेरा ये ग्रोइंग बैग है इसी के अंदर इसको लगा रहा हूँ। तो अब हम इस ग्रोइंग बैग के अंदर इस मिट्टी को भर लेते हैं।
गाइस हमने हमारा ग्रोइंग बैग है वो मिट्टी से हाफ भर लिया है, जो मिट्टी हमने प्रिपेयर की थी। अब बारी है हमारे पेड़ को इसमें लगाने की। तो जब भी आप पेड़ की रिपोर्टिंग करें एक बात ध्यान रखिए, मेरे हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो रूट्स है उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें और हमेशा अपने पेड़ की रिपोर्टिंग शाम के समय करें, क्योंकि जो दिन का समय होता है उस टाइम पौधे का प्रकाश शोषण चल रहा होता है, जिसमें पौधा अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसमें चल रही होती है। तो उस टाइम अगर आप पौधे को डिस्टर्ब करते हैं तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। पर शाम के टाइम क्या होता है, मौसम भी ठंडा होता है, धूप भी नहीं होती है और हमारा पौधा अच्छे से जो मिट्टी है उसमें एडजस्ट कर जाता है अपनी नई मिट्टी में। तो हमने उसको बिना इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए इसको ग्रोइंग बैग को फाड़ के इसको बाहर निकाल लिया है। अब बस हमारा जो ग्रोइंग बैग है उसमें हमें थोड़ी इसमें स्पेस बनानी है और हमारे पेड़ को बस ऐसे रख देना है और वापस इसको मिट्टी से भर देना है। अब जो हमने आधा भरा था अब हम इसको फुल मिट्टी से भर लेंगे। तो गाइस जो हमारा पेड़ है वो सक्सेसफुली रिपोर्ट हो चुका है और आपको इसे 2-3 दिन छाया में रखना है, उसके बाद आप इसे धूप में रख सकते हैं। नॉर्मली इसे 4-5 घंटे की धूप तो चाहिए होती है। और अब हमने पेड़ को लगा दिया है और अब हम इसमें पानी डालते हैं। अगर आप इसमें तुरंत पानी नहीं डालेंगे तो वो भी आपके पेड़ को हार्म करेगा। आप इसमें अच्छे से पानी डालिए जिससे कि नीचे छेदों से पानी निकलना शुरू हो जाए, इससे हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो जितनी भी हमारी रूट्स हैं उन सबको पानी मिल चुका है। पानी का यही रूल होता है, आप जब भी अपने गमलों में पानी दें तो पानी ऐसे ही दें कि एक बार नीचे जो छेद होते हैं गमले में उनसे पानी निकलना शुरू हो जाए, उससे कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो पेड़ की जितनी भी जड़ें हैं उन सबको पानी मिल चुका है। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब आगे की केयर में हमें इसमें हर 15-20 दिन में फर्टिलाइज़र डालते रहना है जिससे हमारा पेड़ अच्छे से ब्लूम करे आगे जाके। अगर आपको ये पेड़ और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे ही मेरे वीडियो को शेयर करते रहें जिससे वो भी अपने जो प्लांट्स हैं उनको सक्सेसफुली लगाते रहें।